कई महीनों की बीटा टेस्टिंग के बाद फाइनली अभी तक का सबसे बड़ा डिज़ाइन ओवरहॉल लेकर एप्पल ने रिलीज़ कर दिया है iOS 14 को सभी कॉम्पेटेबल फ़ोन्स के लिए। अगर आपके पास कोई भी iOS 14 से कॉम्पेटेबल फ़ोन है तो आपके फ़ोन में ये अपडेट ऑलरेडी आ चुका होगा इंस्टॉलेशन के लिए। इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कुछ ऐसे ही बहुत ही कमाल के नए फीचर्स जो एप्पल ने iOS 14 में प्रोवाइड किए हैं, और ये फीचर्स आपके स्मार्टफोन को, आपके आईफोन को बनाते हैं और भी कमाल का। दोस्तों स्वागत है आपका चैनल आउटराइट टेक पर, मैं हूं अंकित एंड लेट्स गेट स्टार्टेड राइट इनटू दिस फीचर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए चैनल आउटराइट टेक को, क्योंकि यहां पर आपको मिलते रहते हैं काफी इंटरेस्टिंग टेक वीडियोस। तो सबसे बड़ा चेंज जो किया गया है iOS 14 में, वो किया गया है आईफोन की होम स्क्रीन पर। तो जैसे आप अपने फोन को नेविगेट करते थे, होम स्क्रीन को यूज करते थे, वो सब काफी हद तक अब बदल गया है, काफी बड़े चेंज लिए हैं। सबसे पहला चेंज जो आपको देखने को मिलने वाला है अपनी होम स्क्रीन पर, वो होगा ऐप लाइब्रेरी का। जैसे कि आईफोन में आप कोई भी नई ऐप इंस्टॉल करते हैं तो वो एक आपकी होम स्क्रीन पर स्पेस लेती चली जाती है और मल्टीपल पेजेस आपके वहां पर बन जाते हैं ऐप्स के, और अगर आपको कोई ऐप वहां पर ढूंढनी होती है, चेक करनी होती है, तो काफी आपको मेहनत करनी पड़ती है उन पेजेस को स्क्रॉल करने में। तो अब अगर आप स्क्रॉल करते चले जाएंगे एक्सट्रीम राइट में अपनी होम स्क्रीन पर, तो वहां आपको देखने को मिलेगी ऐप लाइब्रेरी, जहां पर आपके फोन में इंस्टॉल्ड सारी एप्स काफी नीटली ऑर्गेनाइज की गई हैं फोल्डर्स में बेस्ड ऑन देयर कैटेगरीज। और अगर आप वहां से स्वाइप डाउन करते हैं तो वो सारी एप्स जो आपने अपने आईफोन में इंस्टॉल की हैं वो आपको नजर आएंगी एक सॉर्टेड लिस्ट में बहुत ही नीटली। और तो और जो आपकी होम स्क्रीन पर ऐप के बहुत सारे पेजेस होते हैं उनको आप हाइड भी कर सकते हैं। सो जो आपको ऐप रेगुलरली यूज करनी है वो आप अपनी होम स्क्रीन पर रखिए और बाकी सारे पेजेस को आप हाइड कर दीजिए कुछ इस तरह से अनचेक कर एडिट मोड में। दूसरा बड़ा चेंज जो आपको होम स्क्रीन पर देखने को मिलेगा वो है विजेट्स से रिलेटेड। पहले क्या होता था, अभी तक आप विजेट्स को सिर्फ टुडे स्क्रीन में प्लेस कर पाते थे, लेकिन अब आप उन विजेट्स को टुडे स्क्रीन के अलावा अपनी होम स्क्रीन पर कहीं पर भी प्लेस कर सकते हैं। ये बहुत ही यूजफुल फीचर है और यकीन मानिए एप्पल के ये विजेट्स सही मायने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, देखने में बहुत ही प्यारे लगते हैं। एक और कमाल का विजेट प्रोवाइड किया गया है जिसका नाम है स्मार्ट स्टैक। इस विजेट को आप जब अपनी होम स्क्रीन पर प्लेस कर देंगे, ये आपको ऑल थ्रू आउट द डे डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स पर जो भी आपकी प्रेफरेंसेस हैं, आपकी हैबिट्स हैं, उनको लर्न करके वो विजेट उस टाइम पर शो करता रहेगा। और तो और आप अपनी चॉइस के कुछ विजेट्स को मिलाकर एक स्टैक विजेट बना सकते हैं। जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि आपको कैलेंडर और म्यूजिक को मिलाकर के एक स्टैक बनाना है, तो आप कैलेंडर को ड्रैग कर दीजिए म्यूजिक के ऊपर और ये आपका बन गया एक स्टैक, और इसको आप ऊपर नीचे इस तरह से स्क्रॉल भी कर सकते हैं। एक नई ट्रांसलेट ऐप भी इंट्रोड्यूस की गई है iOS 14 में, जिसको यूज करके आप कोई भी टेक्स्ट किसी एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर पाएंगे और उसका ऑडियो भी सुन पाएंगे। इस ऐप में एक बहुत ही कमाल का फीचर ये है कि जब आप इसको लैंडस्केप मोड में लेकर आते हैं तो एक कन्वर्सेशन मोड में आ जाता है, और उसमें जो भी आप इसको बोल रहे हैं जिस भी लैंग्वेज में, ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है कि वो कौन सी लैंग्वेज है और उसको ट्रांसलेट करता है दूसरी लैंग्वेज में। फॉर एग्जांपल मैं इंग्लिश में बात कर रहा हूँ, सामने दूसरा पर्सन स्पेनिश में बात कर रहा है, तो मैं उसको इंग्लिश में कुछ बोलूंगा, वो उसको ट्रांसलेट करके स्पेनिश में ऑडियो सुना देगा, और वो जब स्पेनिश में कुछ बोलेगा तो वो उसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में मेरे को सुना देगा। अगर आपके पास कोई भी ग्लास बैक वाला आईफोन है तो आप डबल और ट्रिपल टैप सेटअप कर सकते हैं उसकी बैक पर, यानी कि अगर आपने बैक पर टैप किया दो बार तो उसने स्क्रीनशॉट ले लिया, या फिर आपने बैक पर टैप किया तीन बार तो उसने सीरी को लॉन्च कर दिया, या फिर आप अपनी चॉइस के कोई भी कस्टम एक्शंस उनको असाइन कर सकते हैं। इनकमिंग कॉल्स अब आपकी पूरी स्क्रीन को यूटिलाइज नहीं करती हैं, मतलब ये कि अगर आप अपने फ़ोन में कुछ काम कर रहे हैं या फिर तो कोई वीडियो देख रहे हैं और अचानक से कोई कॉल आ जाती है जिसको आपको रिसीव करने का, आंसर करने का मन नहीं कर रहा है, तो उसका एक छोटा सा नोटिफिकेशन टॉप पर आएगा, बाकी आप नीचे अपना काम कंटिन्यू कर सकते हैं, वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं, उसके लिए आपको कॉल के डिस्कनेक्ट होने तक का वेट नहीं करना पड़ेगा। सिमिलर टू दिस, सीरी भी अब पूरी स्क्रीन यूटिलाइज नहीं करता है। अगर आपने सीरी को लॉन्च किया है तो वो स्क्रीन के बॉटम में छोटा सा राउंड आइकन, वहाँ पर आपको सीरी का देखने को मिलेगा, और बाकी सारी स्क्रीन स्टेट को आप एज नॉर्मल देख पाएंगे। द लॉन्ग अवेटेड फीचर, मच डिमांडेड फीचर, जिसका लोगों को बहुत टाइम से इंतजार था, बहुत टाइम से लोग बोल रहे थे कि आईफोन में ये फीचर क्यों नहीं आ रहा है, फाइनली आ गया है पिक्चर इन पिक्चर मोड। तो अगर आप कोई वीडियो देख रहे हैं, कोई मूवी देख रहे हैं अपने फ़ोन में,
तो जितनी भी सपोर्टेड ऐप्स हैं जो पिक्चर इन पिक्चर को सपोर्ट करती हैं वो आपको अलाउ करेंगी उस वीडियो को पिक्चर इन पिक्चर मोड में देखने का, ताकि आप वो वीडियो देखने के साथ साथ और काम भी अपने फोन पर ऑपरेट कर सकें। और इस पिक्चर इन पिक्चर मोड में आप वीडियो का साइज बड़ा छोटा भी कर सकते हैं और उसको अक्रॉस द स्क्रीन कहीं भी मूव कर सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं। एक और निफ्टी फीचर जो रिमाइंडर ऐप में प्रोवाइड किया गया वो है, रिमाइंडर ऐप के अंदर आप कोई भी एक टू डू लिस्ट बनाकर उसको शेयर कर सकते हैं किसी दूसरे यूजर के साथ। लेकिन यहाँ पर कैच ये है कि दोनों ही यूजर्स को iOS 14 यूज कर रहा होना चाहिए। एप्पल ने अपने ब्राउजर सफारी को भी अपग्रेड किया है और वहां पर अब आप देख पाएंगे कि कौन से क्रॉस वेबसाइट ट्रैकर्स या वेबसाइट्स आपको ट्रैक कर रही हैं और कितने ऐसे ट्रैकर्स को सफारी ने अब तक ब्लॉक किया है। आपकी प्राइवेसी से रिलेटेड बहुत ही वेलकम फीचर। अगर बात करें मैसेजिंग ऐप की, आईफोन में जो मैसेजिंग ऐप है उसमें अब आप कन्वर्सेशन को पिन कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल किसी ऐसे कॉन्टैक्ट के साथ कन्वर्सेशन जो आप बहुत फ्रिक्वेंटली करते हैं उसको आप पिन कर सकते हैं, जिससे कि वो हमेशा टॉप पर रहेगी और इजीली आप उसको एक्सेस कर उससे चैट स्टार्ट कर सकते हैं। अदर देन दैट, एक और बहुत ही कॉमन फीचर्स जो कि आजकल सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यूज़ किया जाता है, @ mentions का। तो अब आई मैसेज में आप ग्रुप चैट के अंदर @ mention करके यूजर्स के साथ चैट कर पाएंगे। सेफ्टी और प्राइवेसी से रिलेटेड एक और बहुत ही कमाल का फीचर जो इंट्रोड्यूस किया गया है वो है नोटिफिकेशन डॉट का। सो अगर कोई भी ऐप आपके फोन में आपका कैमरा या माइक्रोफोन यूज करती है तो आपको स्क्रीन के टॉप पर एक नोटिफिकेशन डॉट नजर आना स्टार्ट हो जाएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कोई ऐप ऐसी है जो आपके फोन के कैमरा को या माइक्रोफोन को उस टाइम एक्सेस कर रही है। और अगर ऐसा आपकी मर्जी के खिलाफ हो रहा है तो आप एटलीस्ट फाइंड आउट कर पाएंगे कि कौन सी ऐप ऐसा करने की कोशिश कर रही है। आई रियली लाइक दिस फीचर अलॉट। तो ये थे iOS 14 के कुछ कमाल के नए फीचर्स। इसके अलावा भी और काफ़ी सारे छोटे बड़े फीचर्स को iOS 14 में इंट्रोड्यूस किया गया है। तो अगर ऐसे किसी भी फीचर के बारे में आप जानना चाहते हैं या उसकी डिटेल्स पता करना चाहते हैं तो मेरे को कमेंट्स में लिखकर आप पूछ सकते हैं, मैं आंसर करने की कोशिश करता हूँ ऑलमोस्ट सभी कमेंट्स को। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर देना, ऑल पर क्लिक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, क्योंकि आपके ऐसा करने से मेरे को और मोटिवेशन मिलेगा फ्यूचर में कुछ और अच्छे वीडियोस बनाने का। सो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, टेक केयर फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे जल्दी ही।